लविंग ग्राउंड फादर्स यूनिट 9 एनसीईआरटी बुक क्लास 2। लविंग ग्रैंड फादर। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन हिज आर्म ही हैज चेंज। वो ये गर्ल्स अपने भाई को बोलती है, मतलब एल्डर सिस्टर ब्रदर को बोलती है कि ग्रैंड पापा बहुत दिन से क्या है, फेल डाउन है, मतलब बहुत ही डाउन है। एंड स्प्रेन हिज आर्म, वो अपने आर्म को भी यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट चेंज हिज आर्म, ठीक है ना। ये गर्ल्स अपने ब्रदर को बोलती है। तो उधर बॉयज़ क्या कहते हैं, ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप हो गए हैं और ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, और ना ही हमसे कुछ बात कर रहे हैं। बॉयज़ टोल्ड द सिस्टर अगेन, ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे एंड ही इज़ वेरी सैड। वो पूरे दिन सोते रहे और वो बहुत ज़्यादा सैड थे। बॉयज़ ही डज नॉट इवन गो आउट, वो यहाँ तक कि बाहर भी नहीं गए हैं। बॉयज़ टोल्ड द सिस्टर। ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक एंड ही लव टू डू हिज एक्सरसाइज। ग्रैंडपा बहुत पसंद करते हैं वॉक करना और एक्सरसाइज करना। बॉयज़ ही मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर वॉक एंड विद अस एंड सो डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं क्या उनको बाहर ले जाने की, एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और जैसे वो क्या एक्सरसाइज करे पार्क के अंदर। बॉयज़ टोल्ड आई कैन गर्ल्स सेज आई कैन सी ग्रैंडपा फ्रेंड, लेट्स टॉक टू देम, ठीक है ना। तो आई कैन सी, मैंने देखा है ग्रैंड पापा फ्रेंड्स को, एंड लेट्स टॉक टू देम, जाके बात कीजिए। ग्रैंड पा योर फ्रेंड आर हियर्स, टॉक टू देम वाइल वी प्ले, दे हैव मिस आउट यू। बॉयज़ टोल्ड द ग्रैंड पा, क्या बोलते हैं कि आपके फ्रेंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू माई चाइल्ड, इधर वेयर ग्रैंड पा टोल्ड द बोथ, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर। तो मेरे को लेके आया फ्रेश एयर में, और इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड ऑया फॉर वॉक। मैं बहुत दिनों से क्या हो रहा था, मिस कर रहा था घूमना और मैं अपने दोस्तों को। रीड द पिक्चर्स स्टोरी लाउड थ्री स्टूडेंट, डू इट योर सेल्फ, रीडिंग इज फन, पिक राइट द राइट आंसर। ग्रैंड फादर स्प्रेन हिज, ग्रैंड फादर लाउड ईटिंग वॉकिंग या स्लीपिंग, वॉकिंग। ग्रैंड फादर मिस हिज फूड बुक्स या फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है, बिफोर ग्रैंड फादर फेल एंड आफ्टर द फेल, ठीक है ना। तो बिफोर ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर यूज टू गो फॉर वॉक, ठीक है। ग्रैंड फादर यूज टू टॉक एंड ग्रैंड फादर मीट मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको आपको कहना है यहाँ आफ्टर ही फेल, मतलब बीमार होने के बाद वो किस उसके बाद वो क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो आफ्टर ही फेल, नो ही कीप स्लीपिंग, नो ही इज़ क्वाइट, चुपचाप थे, एंड नो ही डज नॉट इवन गो आउट, वो बाहर भी नहीं जा रहे थे।